फाइनेंशियल गोल सेटिंग के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। हम बहुत बार सुनते हैं, हमारी तैयारी भी कर लेते हैं कि भाई स्मार्ट गोल होना चाहिए वगैरह वगैरह, मगर वो हमारे बिजनेस के लिए या लाइफ के लिए या वजन के लिए करते हैं। फाइनेंस के बारे में गोल सेटिंग हम करते नहीं हैं, तो उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। देखो, फाइनेंशियल गोल सेटिंग जब आप करते हैं तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई आपने आय कितनी है, इनकम कितना है, और आपकी नीड्स, वांट्स और इन्वेस्टमेंट्स क्या होना चाहिए। नीड्स, वांट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स का मतलब हो गया, नीड्स मतलब ये क्या है, नीड्स मतलब जो जरूरत है आपकी रोज की, क्या आपको जो मतलब रोटी कपड़ा मकान लगता ही है चलने को, रोज का चलना है तो रोज का जीवन जीना है तो अपने पूरी आय का 50% रोटी कपड़ा मकान नीड्स जरूरत है कि जो करना ही पड़ता है जीवन जीने के लिए। 30% जो है वो आपने करना है अपने ईगो के लिए, और ईगो मतलब वांट्स, मतलब चाहत। मेरी चाहत है कि मैंने बाइक लेना चाहिए, मेरी चाहत है कि मैंने कार लेना चाहिए, बड़ा मोबाइल लेना चाहिए, आईफोन लेना चाहिए, मकान लेना चाहिए, जो भी कुछ है, तो वो 30% में होना चाहिए। और 20% जो है वो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए। अब जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालते हो पैसा, जैसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, ब्लू चिप स्टॉक्स है, या स्मॉल केसेस है, या म्यूचुअल फंड से 15% मिल सकता है आपको, और उसमें आप पैसा डालते हो तो डेफिनेटली आपका पैसा 5 साल में डबल होता जाएगा। तो फिर आपको ये देखना है पहले, फाइनेंशियल गोल सेटिंग के पहले, कि भाई जो भी आप कमा रहे हो उसमें से पहले आपका टर्म इंश्योरेंस में पैसा जाना चाहिए। मतलब आपको कुछ कम ज़्यादा हो गया, आपका देहांत हो गया, मर गए, तो आपके ऊपर जो भी डिपेंडेंट लोग हैं उनको इतना पैसा मिलना चाहिए कि वो पैसे के ऊपर उनका गुजारा हो सके, वो पैसे के बैच का जो है वो बैच के ऊपर उनका गुजारा हो सके। तो आपके हो सकते हैं माँ बाप आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, तो जो भी डिपेंडेंट है उनका गुजारा वो अमाउंट के बैच पर होना चाहिए, उतना आपको टर्म इंश्योरेंस करना। हो सकता है कि 50 लाख, हो सकता है कि 1 करोड़, हो सकता है कि 2 करोड़, किसके लिए होगा। और उसके लिए सालाना अलग अलग कंपनीज के प्लान्स है, तो 11,000-12,000 में हो सकता है, नंबर एक। नंबर दो, हेल्थ इंश्योरेंस, क्या आप बीमार होते हैं तो आपको कवर है, यानी आपका उस महीने का बजट जो है उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस को, सबके हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है, फैमिली के लोगों के। तीसरा जो है वो जो है कि आपको उतना ही पैसा एज ए इमरजेंसी फंड रखना है, इमरजेंसी फंड, कि आप यदि कमाते नहीं हो तो 12 महीने आपका घर चलना चाहिए उतना पैसा। मतलब आपकी नीड यदि 50,000 रुपये महीने के घर चलाने की, हर महीने 50,000 आपको लगते हैं समझो, तो आपने 6 लाख रुपये आपके बैंक में होना चाहिए, जिसके ऊपर आपको ब्याज भी मिल रहा है 5-6%। बैंक में रखने का फ़ायदा ये है कि आप कभी भी निकाल सकते हैं, और बैंक में हो सकता है मतलब कि भाई बैंक डूबने का चांस बहुत कम है यदि अच्छी बैंक में रखते हैं तो, और वो पैसा कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, धीरे धीरे होगा मगर ज़्यादा होगा, मगर उसके ऊपर बैंक में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैंक में जो आपको ब्याज मिलता है वो 6-7% का है, और महंगाई उससे ज़्यादा तेज बढ़ रही है। तो आप 100 रुपये की चीज़ जो आप खरीदते हो तो बैंक आपको देंगे 105 रुपये 1 साल के बाद में, और आप वो चीज़ खरीदने के लिए जाएंगे 1 साल के बाद में तो वो चीज़ 105 की नहीं मिलेगी आपको, वो चीज़ 107 की, 108 की, 110 की मिलेगी 1 साल बाद, क्यों, महंगाई बढ़ रही है। तो बैंक में रखा हुआ पैसा एक्चुअली हम कम कर रहे हैं, बढ़ नहीं रहा है, तो हमको वो उतना ही पैसा रखना है। या फिर आप गोल्ड में रख सकते हैं, गोल्ड भी एकदम ताज़ा रहता है, ताज़ा मतलब कि भाई ताज़ा, कभी भी आप जाओ उसको तोड़ दो और पैसा ले लो, तो इमरजेंसी है, कभी कुछ काम लग गया, पता नहीं कौन से समय पे क्या आ जाएगा, कोरोना लग गया, 6-6 महीने अपना इनकम डाउन हो गया, तो वो इमरजेंसी फंड काम में आएगा। नौकरी चली गई, बीमार हो गए, 6 महीना कोई कमाई नहीं है, तो टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, तो ये तीन होने के बाद में फिर आपको लगना है, अभी आपको ख्याल में रखना है कि भाई मेरे गोल्स क्या क्या है, शॉर्ट टर्म के गोल्स क्या है, मीडियम टर्म्स के गोल क्या है, लॉन्ग टर्म्स के गोल क्या है। शॉर्ट टर्म मतलब भाई मुझे अगले साल ही फॉरेन टूर जाने का है, अगले साल बेटे को मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, बाहर गांव जाने वाला है, पैसे लगने वाले हैं, तो शॉर्ट टर्म गोल से साल भर में 6 महीने में कौन सा पैसा लगने वाला है, तो शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म है कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है आज से 10-12 साल 15 साल बाद में, तो लॉन्ग टर्म गोल है। मीडियम टर्म है 2-3 साल में कौन सा पैसा लगने वाला है, वो हिसाब से आपने पैसा पार्क करने का है। शेयर्स में, और वो भी ब्लू चिप कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल केसेस, इसमें आप उतना ही पैसा डालो जो पैसा आपको 5 साल वापस लेना नहीं है, मिनिमम 5 साल, क्यों, हो सकता है कि मार्केट क्रैश हो गया तो 1-2 साल वैसे निकल जाएंगे, आपको जितना डाला है उतना भी नहीं मिलेगा, मगर 5 साल का मतलब हिस्ट्री जो ऐसी है कि 5 साल यदि आप रखते हैं तो एवरेज मार्केट ने 12% दिया हुआ है, 12% उससे ऊपर दिया हुआ है, तो फिर आपको ये रखना है कि ख्याल में कि भाई मेरा वेकेशन कितना पैसा लगेगा, कब करना है।
मेरा एजुकेशन करना है तो कितना पैसा, कितने साल, बच्चों का एजुकेशन कितने बेटे, कौन सा एजुकेशन, कितने रुपए, कौन से साल, मकान खरीदना है कौन से साल, कितने साल के बाद में, कितना रुपया ईएमआई कितना होगा, बाइक खरीदना है या फोर व्हीलर खरीदना है, कब खरीदना है, कितना कब खरीदना है, कितने रुपए में खरीदना है। कभी भी आपने लोन लेके ये चीज़ें खरीदनी नहीं है, मकान लोन लेके खरीदना नहीं है, बाइक कार लोन लेके खरीदना नहीं है, क्योंकि वो लायबिलिटी है। और लायबिलिटी जब आप खरीदते हो तो आपका पैसा कम कम होते जाता है। कार तभी खरीदना है जब आपके खुद के पैसे हो, और पैसे कहाँ रखना है आपको प्रॉब्लम है। तभी आपको कार खरीदना है जहाँ आपको इनकम आ रहा है ऑटोमेटिक, बिना काम करते हुए आपको 50,000 लाख रुपए मिल रहे हर महीने के, तब कार खरीदना है मजे के लिए, तब तक नहीं खरीदना है, बताने के लिए नहीं खरीदना है कार। तो ये सब जो है कि भाई आपको हो सकता है कि एकदम क्लोज रिलेटिव की शादी है, उसमें आपको पैसा देना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी 5-10 हज़ार रुपये की, तो वो पैसा लगेगा। मतलब ऐसे कहाँ कहाँ आपको कब कब कौन सा पैसा लगने वाला है, उसके आपने लिस्ट बनाने का है, उसके सामने रखना है साल कब, महीना कौन से महीने में, और रुपया कितना लगने वाला है, और फिर वो हिसाब से आपने इन्वेस्ट करना है। तो आप बैंक में रख सकते हैं जो आपको तुरंत लगने वाला है, गोल्ड में लग सकते हैं आप, गोल्ड में आपको 5-6%, 7%, 8% इतना भी मिलता है कभी कभी। अभी पिछले 5 साल में गोल्ड करीब करीब डबल हो गया, तो गोल्ड में अच्छा परतावा मिला। पिछले 1.5 साल में रियल इस्टेट जो है वो भाव आड़े टेढ़े बढ़ गए कोरोना के बाद में, मगर वही यदि रियल इस्टेट जमीन आप कोरोना के पहले ले रहे थे तो कोरोना के 2 साल भाव बढ़े नहीं और डाउन थे, और आपको पछतावा होता था। कोरोना के बाद में जिन्होंने इस्टेट लिया उनको बहुत पैसे मिले। तो इस तरह का होता है कि भाई हमको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब वापस लेना है। आप कॉरपोरेट बॉन्ड्स खरीदते हो 9-10% मिलेगा, 1 साल के लिए 2 साल के लिए आप डाल सकते हैं पैसा। आप पोस्ट ऑफिस के बॉन्ड्स है, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करना है, प्रोविडेंट फंड है, मतलब कहाँ कहाँ से आपको पैसा मिल सकता है, कब कब मिल सकता है, उसका प्लानिंग आप करेंगे। और थोड़ा पैसा है तो आप खुद कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा है तो आप फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जैसा मैंने बताया आपको म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक में डालना है, जो आपको 5-10 साल निकालने का नहीं, उसमें SIP करने का है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखो आपके ड्रीम्स जो है, आपके सपने जो है, वो ऑटोमेटिकली साकार होने वाले नहीं है। आपको ये तय करना है कि मैं 45-50 साल तक काम करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा, तब तक इतना पैसा कमाऊँगा कि जो पैसा मैं ऐसे जगह इन्वेस्ट करूँ जहाँ से मुझे 50,000 लाख 1.5 लाख जो भी मुझे महीने का खर्चा लगता है वो मिलेगा, और घूमने के लिए पैसा मिलेगा। तो वह आपका गोल है, और वो गोल मद्देनजर रखे हुए आपने आज से इन्वेस्टमेंट करना चालू करना है। आप यदि इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पैसा उड़ाते जाएंगे, तो आपको ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं, मतलब कि 100 में से करीब करीब 65-70 लोग उम्र के 65-70 साल तक काम करते रहते हैं, क्योंकि वो काम नहीं करेंगे तो उनको खाना नहीं मिलेगा। तो आपको कितने साल तक काम करना है वो देखो। एक तो वो खुद काम कर रहे हैं और अपना पेट भर के गुजारा कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट की सब्सिडी, गवर्नमेंट का अनुदान उसके ऊपर डिपेंड है, या फिर गवर्नमेंट के जो अनाथ आश्रम है उसमें जाके रह रहे हैं, क्योंकि खुद का खर्चा खुद नहीं चला सकते। तो प्लानिंग करेंगे तो ये नौबत नहीं आएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।